की बड़ी बड़ा बता दे बांसवाड़ा की पीड़िता को उधर को ले जाया गया है जहां बाल चिकित्सालय में उसके बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसके बाद उदयपुर में बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है उस मासूम बच्चे को। आप बता दे नाबालिग मुंह को बगैर महिला बच्ची के मां बनने के बाद ये मामला बहुत ज्यादा सूर पकड़ता दिखाई दिया। विधानसभा में इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने सीधे तौर पर सरकार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा और जो दोषी है मामले में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर बांसवाड़ा में नाबालिग मुखबिर लड़की के मां बनने के बाद जिस तरीके से मामले ने सूर पकड़ा है जो बच्चा है वो उसकी हालत गंभीर हालत इस बीच बताई जा रही है। सांस लेने में बच्चे को तकलीफ हो रही है और उसे बाल चिकित्सालय राजकीय बाल चिकित्सालय महात्मा गांधी बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें 11 साल की नाबालिग मूक बधिर बच्ची के मां बनने का मामला बांसवाड़ा में सामने आया है जिसके बाद कह सकते हैं सियासी हल्के से लेकर सामाजिक जो संरचना है उन सभी जगहों पर इस बात को लेकर खासा चर्चा होती रही है कि किस तरीके से एक नाबालिग 11 साल की बच्ची मां बन जाती है और किसी को इस बीच जो जिस आश्रम में वो रह रही थी जिस हॉस्टल में वो रह रही थी इस बात की जानकारी तक नहीं लग पाती है। विपक्ष ने आज विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया वहां पर भी काफी चर्चा हुई इस मुद्दे पर और साथ ही ये भी कहा गया कि जो भी लोग दोषी हैं इसकी अभिगहनता से जांच की जाए कि कौन लोग इसमें दोषी हैं और 11 साल की मासूम बच्ची एक बच्चे को जन्म देती है भूख वगैरह बच्ची कुछ बता नहीं सकती वो लेकिन बच्चे की हालत अब गंभीर बताई जा रही है। बच्चा बांसवाड़ा से उदयपुर रेफर किया गया है और वहां पर बाल चिकित्सालय में भर्ती है जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है जिस हॉस्टल में रहती थी वहां पर जो व्यवस्था अंदर की जो प्रक्रिया होगी उसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से एक मूक बधिर बच्चे के साथ यौन शोषण किया जाता है और वो बच्ची एक बच्चे को जन्म देती है। हालांकि आपको ये भी बता दें इस बीच की बच्चे की हालत नाजुक है बच्चे की हालत गंभीर है उसे चिकित्सालय में उदयपुर में बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता हेमेंद्र ने मौके का जायजा लिया है। बांसवाड़ा से रेफर हुई जो बालिका मूक बधिर बालिका 11 वर्षीय जिसके लड़का हुआ है उसकी हालत गंभीर होने की वजह से बच्चे की हालत गंभीर होने की वजह से उसको उदयपुर के बाल चिकित्सालय में लाया गया है। बच्चे का अभी इलाज जारी है और उस बच्ची का भी जिसके बच्चा हुआ है उसका भी इलाज जारी है और यहाँ पे जो टीम है डॉक्टरों की पूरी तरह से सजग होके और उसका इलाज कर रही है और अब इस बच्चे को नर्सरी में शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पर इसका इलाज होगा और पूरी की पूरी तरह से यहाँ पर बाल चिकित्सालय की और जनरल अस्पताल की टीम पूरी तरह से इसकी देखरेख कर रही है और अब आगे भी इनकी पूरी तरह से जांच होगी। बच्चे को रेफर किया गया उदयपुर और वहां से उसे बाल चिकित्सालय में ले जाया गया है क्योंकि तकलीफ बच्चे को सांस लेने में हो रही है और यहाँ पर डॉक्टर काफी सजगता बरतते हुए बच्चे को जो भी एहतियाती कदम है अपनी तरफ से उसकी सुरक्षा के लिए उठा रहे हैं। हालांकि इस बीच जो 11 साल की मासूम नाबालिग मूक बधिर बच्ची है उसका भी इलाज चल रहा है और अब मामले की जांच की बात सामने आ रही है कि जल्द से जल्द मामले में जांच हो और जो दोषी है इसके पीछे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा में नाबालिग मूक बधिर लड़की के मामले के मामले में आज विपक्ष हमलावर दिखा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार को इस मामले में दोषियों के